रायगढ़ शहरी क्षेत्र में आए दिन आवारा कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने व राहगीरों को परेशान करने की शिकायतों को नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए अब निगम के प्रत्येक वार्ड में डॉग कैचर्स पहुंच रहे हैं, जो आवारा कुत्तों को घूम घूम कर पकड़ रहे हैं। इस सभी कुत्तों को जूट मिल क्षेत्र में बनाए गए डॉग हाउस ले जाया जा रहा है, जहाँ कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। रायगढ़ शहरी क्षेत्र में आए दिन आवारा कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने और राहगीरों को परेशान करने की शिकायतों को नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया है। अब निगम के प्रत्येक वार्ड में डॉग कैचर्स पहुंच रहे हैं, जो आवारा कुत्तों को घूम घूम कर पकड़ रहे हैं। इस सभी कुत्तों को जूट मिल क्षेत्र में बनाए गए डॉग हाउस ले जाया जा रहा है, जहाँ कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। शहर में लगभग सभी वार्डों में दर्जनों कुत्तों का समूह है, जिनसे न केवल वाहन चालक परेशान है बल्कि वार्ड वासियों को भी इस बात का डर बना रहता है कि कभी कोई कुत्ता किसी को काट न ले। लगातार इस बात की शिकायत निगम आयुक्त को मिल रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी के लिए उनकी धरपकड़ शुरू की है। एनिमल केयर सर्विसेज के डॉक्टर अरविंद यादव की माने तो कुत्तों की नसबंदी से न केवल उसकी जनसंख्या नियंत्रित होगी, अपितु उनके व्यवहार की आक्रामकता में भी कमी आती है। नगर निगम के सभी वार्डों में आवारा कुत्तों को पकड़ने समय निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वार्ड में डॉग कैचर्स पहुँचेंगे और आवारा कुत्तों को नसबंदी के लिए ले जाया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए दुर्ग जिले के एक ऐसे एनजीओ की मदद ली जा रही है, जो पहले इस कार्य को काफी कुशलता से संपादित कर चुके हैं। डॉग क्या है, हमारे पास जो है नेट रहता है, नेट सिस्टम है, और रिंग से जो है हमारे जो भी वर्कर है कैचर है, वो कैचर जा करके फील्ड में सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है, उसमें कैचर हमारे जाते हैं, और जो सुपरवाइजर है वो क्या पूरा साथ में रहते हैं। तो जो वार्ड है ना, एक से चालू किए हुए हैं, तो प्रत्येक वार्ड में जा करके जो है ना, पर डे सुबह में 6 बजे गाड़ी निकलती है और पकड़ के लाता है यहाँ, 10-10:30 बजे तक में आता है, तो यहाँ उसके बाद जो है हमारे जो है ना ऑपरेशन का कार्यक्रम चलता है। ये निरंतर जारी रहेगी? निरंतर अभी रहेगी, जब तक अभी जो है ना कमिश्नर साहब को जब तक आदेश रहेगा तब तक अभी जारी। मतलब शहर के लोगों को फायदा मिलेगा? हाँ हाँ, इससे फायदा मिलेगी, और जितना वार्ड है पूरे वार्ड में लगभग है कि अभी एक वार्ड में 2 दिन चलाते हैं, इसके बाद फिर जो है रिपीट करेंगे, दोबारा करेंगे वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं कुत्तों की जनसंख्या वृद्धि कब होगी? हाँ, जनसंख्या इसे क्या होगा कि एक तो क्या है, जो डॉग है वो डोसाइल होगा, जो बाइट का रहता है वो नहीं करता है। दूसरी बात कि नसबंदी होने के बाद क्या है, ये जो है ना शांत हो जाता है, बाइट के केस कम हो जाता है। दूसरी बात, जो नसबंदी होने से क्या होता है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।